और इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग कल यानी मंगलवार को होती है। इस चरण में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की संसदीय सीट पर भी मतदान होना है, लेकिन इस दौरान उनकी माता की तबीयत बेहद नाजुक हो गई है। पूरा परिवार फिलहाल दिल्ली पहुंच गया है। मिली जानकारी के अनुसार सिंधिया की माता माधवी राज सिंधिया की आज दोपहर में तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। मां की हालत बिगड़ने की सूचना मिलते ही सिंधिया कल ही मुंगावली की सभा के बाद भोपाल से दिल्ली रवाना हो गए थे। वहीं उनके पुत्र महान आर्यमन भी सभी चुनावी कार्यक्रम रद्द कर गुना से दिल्ली चले गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां माधवी राज सिंधिया पिछले 50 दिन से एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। 2 दिन पूर्व ही उनकी सर्जरी हुई है, जिसके बाद से उनकी जो हालत है वो काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक सिंधिया की पत्नी 1 मई को ही दिल्ली पहुंच गई थी, जहां जम्मू से उनकी पुत्री और डॉक्टर कर्ण सिंह की बहू यानी चित्रा गंदा भी दिल्ली पहुंच गई हैं। पूरा परिवार अभी दिल्ली में उपस्थित है। वहीं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया परिवार चुनाव प्रचार में लगा हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले भी माधवी राजेश सिंधिया की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी। तब पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सभी कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली पहुंच गई थी। हालांकि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही मुंगावली में चुनावी सभा कर रहे थे। वहीं उसी समय दिल्ली से उन्हें मां की हालत अधिक चिंताजनक होने की सूचना मिली, जिसके बाद सिंधिया मुंगावली की सभा के बाद सीधे वे भोपाल के लिए रवाना हुए और वहां से स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे थे। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया की हालत बेहद नाजुक बताई गई है। हालत काफी खराब होने से सिंधिया परिवार अस्पताल पहुंचा है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया, पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, बहन चित्रा गंदा राजे सिंधिया और बेटे आर्यमन सिंधिया अनन्या अस्पताल पहुंचे हैं। हालांकि जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वह फिलहाल एम्स अस्पताल